जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें बी और सी ग्रुप के लिए वैकेंसी रहती है। इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक इस जानकारी देंगे इस वीडियो में। बी और सी ग्रुप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम आएगा, इसके बाद आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका नाम रहेगा एप्लीकेंट नेम में, मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे, दोबारा से कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आपने जो यहाँ पे जो सेम टेक्स्ट आता है स्क्रीन पे, इसको यहाँ पे नोट करेंगे और री वेरीफाई पे क्लिक। री वेरीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे वेरीफिकेशन के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को आपने यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्राइवेसी नोटिफिकेशन आ जाता है, इसको आपने एग्री पे क्लिक करना है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको रजिस्टर नंबर आपका शो हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। साथ में ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी आपको रजिस्टर नंबर मिल जाएगा। आगे का प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपने गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, इसको आपने कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन नंबर रहेगा, नाम आएगा, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आपका मैरिड स्टेटस क्या है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, मोबाइल नंबर आपका वही रहेगा, ईमेल आईडी भी वही रहेगी। आगे रहता है पोस्ट डिटेल, तो यहाँ पे आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, तो इसके बाद और भी आपको एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए सिलेक्ट के लिए ऑप्शन आ जाता है। अगर आप और भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है कि इसके अलावा दूसरी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डोमेस्टिकल कैटेगरी इंडियन सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो कैटेगरी यहाँ से आएगी, इसके बाद सब कैटेगरी आती है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे कौन से आप चूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड है आपके पास, लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप आईएम वाले आइडेंटिटी वेरीफाई प्रूफ पे क्लिक करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एडिशनल ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप सीधे नो नो कर लें। अगर कोई केस हुआ है या कोई इंक्वायरी हुई है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट है यस या नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं यस या नो ऑप्शन पे चूज़ करेंगे। और इसके बाद कोई क्रिमिनल केस है, एफआईआर हुई है यस या नो, उसके बाद कोई, तो इस हिसाब से आपने यस या नो पे क्लिक करना है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल रहती है, आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस क्रॉस फंडिंग परमानेंट दोनों सेम है तो एक ही जैसे फिलअप करें और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद रहता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ मैट्रिक की डिटेल रहेगी, प्लस टू की डिटेल रहेगी, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डिटेल रहेगी, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट की, अगर कोई और भी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट या फिर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का आता है ऑप्शन, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पहले फोटोग्राफ आएगा, सिग्नेचर आएगा, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट आएगा और कोई कास्ट से रिलेटेड है तो कास्ट का आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने होगा। उसके बाद पेमेंट का आता है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मोड दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आई हैव वोरे ऑप्शन पे आपने क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नीचे कैप्चा कोड दिया गया है इसको आपने टाइप करना है और प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद लास्ट ऑप्शन रहता है आपका पेमेंट का, यहाँ से आप पेमेंट नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद